ठाक दिख रहे हैं। 18 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 26 करोड़ का आया है। हालांकि स्टॉक थोड़ा दबाव में आपको इस समय दिख रहा है। आय भी 350 करोड़ से बढ़कर 470 करोड़ की आती हुई दिख रही है। क्विक कॉल ले लें सुदर्शन केमिकल्स पर कुणाल जी की तरफ से। कुणाल जी, नतीजे तो आ रहे हैं पर स्टॉक थोड़ा सुस्त है आज, क्या राय देंगे चार्ट पर? देखिए, एक मामूली सी गिरावट देखने को मिल रही है दीपांशु। मुझे लगता है कि एक मौजूदा स्तरों पर होल्ड करना चाहिए। जिनके पास पोजीशन है 720 का एक स्टॉप लॉस रख लें। कोई बहुत बड़ा सेल ऑफ आएगा इसकी संभावना कम दिखती है। 720 के नीचे गया तभी चिंता है, अन्यथा बने रहने की राय है। मुझे लगता है स्टॉक रिकवर होना चाहिए। वापस से आपको 780 के ऊपर ब्रेकआउट हो तो फिर स्टॉक में दोबारा खरीदारी कर सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए राय सुदर्शन केमिकल्स पर। थोड़ा नतीजों के बाद हम स्टॉक पर नेगेटिव इंपैक्ट आते हुए देख रहे हैं। हालांकि मुनाफा 18 करोड़ से बढ़कर 26 करोड़ का यहां पर आते हुए देखा है। कामकाजी तौर पर थोड़ी मिलीजुली परफॉर्मेंस इनकी आती हुई दिख रही है सुदर्शन केमिकल्स पर। एक स्टॉक जहां पर एक